एक तरफ लोकसभा चुनाव की तारीखों की चुनाव आयोग तैयारी कर रहा था, सभी पार्टियां अपने इस चुनावी दंगल शुरू होने की औपचारिक ऐलान के बारे में इंतजार कर रहा था, तभी बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश बीजेपी को यह बड़ा झटका लगा है, क्योंकि मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने बीजेपी छोड़ दी है। अजय प्रताप सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और अपना इस्तीफा बकायदा उन्होंने जेपी नड्डा को सौंप दिया है। अजय प्रताप सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्स पर एक पोस्ट लिखी, उस पोस्ट में ये जानकारी सार्वजनिक की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र देता हूँ। इस पूरे घटनाक्रम और उनके इस्तीफे के पीछे की कहानी भी अब सामने आ गई है। जानकारी के मुताबिक पूर्व राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह सीधी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। वो लगातार बीजेपी के दरवाजे खटखटा रहे थे, दावेदारी ठोक रहे थे, टिकट मांग रहे थे, लेकिन ऐन मौके पर तमाम आश्वासनों के बाद भी टिकट नहीं मिला और कार्यकर्ताओं की अनदेखी करने के चलते ऐसे आरोप लगाते हुए पूर्व राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी ने एमपी की सभी 29 लोकसभा सीटों में अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है और इसी की वजह से वो खफा थे, उन्हें टिकट नहीं मिला, जिसी के बाद उन्होंने ये फैसला किया है। सीधी से बीजेपी ने राजेश मिश्रा को अपना प्रत्याशी बनाया है, यही बात पूर्व राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह को अखर गई। अजय प्रताप सिंह ने आनंद फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया, साथ ही ये भी बता दिया कि वो आने वाले चुनाव में क्या करेंगे। अजय प्रताप सिंह ने कहा कि निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अजय प्रताप ने केंद्र सरकार पर सीधी का विकास रोकने के आरोप भी लगाए। उन्होंने बीजेपी के विकास के नारे को खोखला बताया और तमाम आरोप लगाए। अजय प्रताप अब सीधी लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अब देखना होगा कि अजय प्रताप सिंह का इस्तीफा बीजेपी कब स्वीकार करती है और अगर ये एक बड़ा झटका है तो क्या सीधी के इलेक्शन में नुकसान हो सकता है। इस्तीफा देने के बाद अजय सिंह ने कहा कि मेरे लिए राजनीति सेवा का माध्यम है, धन अर्जन का माध्यम नहीं, लेकिन अब परिस्थितियाँ ऐसी बन गई हैं कि मेरा बीजेपी में रुकना ठीक नहीं है, इसीलिए अब मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूँ। आरएसएस से जुड़े रहे अजय प्रताप सिंह ने यह भी कहा कि मैं जातिगत राजनीति में विश्वास नहीं रखता, लेकिन लोकतंत्र में सभी जातियों की भागीदारी हो, मैं इस पर विश्वास रखता हूँ, सभी दलों को भी इसका विश्वास रखना चाहिए। उनसे जब पूछा गया कि आखिर वो किस बात से नाराज हैं तो उन्होंने कहा कि बहुत विषय हैं, बातें लंबे समय से चल रही हैं, प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे हैं, यही एक सबसे बड़ी वजह है। यानी उनका मामला चाहे जो भी हो, प्रश्न चाहे जितने भी रहे हों, लेकिन आखिर बात बिगड़ी है तो आकर टिकट पर, और अगर कुछ और मसले हैं तो टिकट बंटने के बाद ही ये मसले इस तरह से उभर कर सामने क्यों आए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।